हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी ब्लॉग। मेरी पहली विदेश यात्रा, एक्साइटमेंट है तो वो भी अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ ना एक अजब सा डर है भाई, क्योंकि देखो पता नहीं क्या ये वीज़ा इमिग्रेशन का चक्कर पड़ता है। हमारे साथ जो ठाकुर साहब बैठे हैं ये अलग लेवल का डर हमारे अंदर क्रिएट कर चुके हैं। सही बात बताऊँ तो हम लोग को जल्दी उठना चाहिए था, लेकिन बहुत लेट उठे हैं इसलिए फटाफट भागे हैं। क्या बोलते हो गाड़ी? तो भी यहाँ से बैंगलोर, बैंगलोर से मुंबई और फिर मुंबई से माले, पहला सफ़र है, देखते हैं कैसा लगता है। मालदीव, विदेश यात्रा, चलिए सफ़र का आनंद लेते हैं। एंड वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। यू कैन सी फ्रॉम माय आईज, बहुत टफ था भाई साहब, समझ लीजिए क्या हो गए हमारे स्टंट। सिक्योरिटी चेकिंग वाले को बोलती है भैया थोड़ा जल्दी करो ना, तो वो बोलते हैं क्या मैडम मैं खींच के थोड़ी बैग ला सकता हूँ। मैडम उससे भी लड़ पड़ी, मैंने शेर पाला है, पता है भूख लगी है। मुंबई में हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम है, लेकिन अभी भी मैं ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी पहली विदेश यात्रा। कृपया विजय धूम्रपान ना करने तथा सीट बेल्ट बांधने के संकेत होने पर इनका पालन करना अनिवार्य है। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल फिटिंग को पकड़ में डालें। गजब महंगाई है भाई, 10,000 रुपये फेंका तो सिर्फ 1200 मालदीव रुपया आया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी 1 रुपये बढ़ा नहीं रहा, तो जब भी आप विदेश जाएं सोच समझ करके जाएं। तो गौर से देखिए इस आदमी को, ये मालदीवियन रुपया देख के एकदम हैरान है, हैरत अंगेज। ऐसा लग रहा है कि बचपन में वो नकली वाला नोट नहीं खेलते थे, कुछ वैसा सी है, तो बड़ा अजीब सा। जरा जूम करके दिखाएंगे, ये कितने के है नोट? 100 रुपये, 100 रुपये, 5, 5, 10। इस मैडम को देखे चापड़ी को, मैंने 500 कर लिए, मैं नहीं दूंगी। यार फर्स्ट टाइम ऐसा करा है, वो नोट देख करके तो मुझे लग रहा है बचपन की याद आ गई। असली है कि नकली, मैं तो यही कंफ्यूज हूँ। मैं सच में अभी भी कंफ्यूज हूँ कि वो असली है कि ये नकली है। बहुत मजा आ रहा है, और इसने इतनी चापड़ी है ये कि मतलब तुरंत 500-500 का पत्थर रख ली, बोलती है आपसे भीग जाएगा। यार कमाल है, कल घुमाया था ना इसको, 2-3 ऐसे चक्कर ऐसी जगह पे घुमा दिया था, इसलिए बहुत ज्यादा पगला गई है। आज इसको फिर मालदीव में घुमा दूंगा। चलो चलते हैं, अभी इमिग्रेशन बाकी है, बाद मिलते हैं वापस, और मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एसएसपी बाबा के क्या थे एक्सप्रेशन। बड़ी मुश्किल से मुझे ये चांस मिला कि मैं एसएसपी बाबा की खुद साइन कर सकूँ। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, देखते हैं जो जो स्पॉट मिलेंगे वहाँ की स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करें। मैंने होल्ड करके रखा है कि कुछ खो ना जाए, मुझे मालदीव में रोक ना लिया जाए। गौर से देखिए इनको, बस ये एक्सपीरियंस कम हो गया। अरे आता है मुझे, ऐसा थोड़ी है। अरे है,
देखो भाई, जितने भी एसएसपी फैमिली के लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम विदेश यात्रा करेंगे, उनको ऐसी तकलीफें आती हैं, उसमें गलत क्या है? उसमें गलत कहाँ कुछ है, सब एक्सप्रेशन नोट करना था। चाचा ही बोल रहे थे पहली बार सफर कर रहे हो। हाँ सर, बोले अच्छे से आना। सो अब हम लोग बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट इज, मैं बता नहीं सकता यार, एक नंबर, अलग लेवल की फील है। लेकिन लॉन्च में इतना मज़ा नहीं आया। चलो मैं आपको थोड़ी सी शेयर कराता हूँ, दिखाता हूँ मुंबई यार। जब आपके साथ एक कन्या होती है तो हर चीज में चलो 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 भागो 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 यही होता रहता है भाई साहब। ढंग से आपको देख भी नहीं पाएंगे, मैं थोड़ा बाहर का सीन दिखाता हूँ। फाइनली हम लोगों को हमारे होटल तक लेके जाने वाले लोग मिल गए, बट टाइमिंग का थोड़ा सा शॉर्टेज है, कहाँ पर और वहाँ पर, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन सच बताऊँ तो मेरी सांसें अभी भी थमी हुई है, जब तक मैं पहुँच नहीं जाता ना, मैं चैन की सांसें ले सकता। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकल पानी दिखाई दे रहा है, और वो भी नीला पानी। मैं थोड़ा पीछे का भी दिखा रहा हूँ। यादगार रहे, बट एक चीज अच्छा लगा, इमिग्रेशन पर इतना कुछ पूछा नहीं, लोगों ने डायरेक्ट ऐसे ठप्पा मार के दे दिया। अपने हर कोई अपने हिसाब से, हर कंट्री के आई थिंक अलग अलग रूल्स होते हैं। ओह माय गॉड, आप बाहर का नज़ारा देखो। अभी तो थके हुए हम लोग, पूरी तरह से बाहर नहीं जा सकते, बट आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। लुक एट दिस, मजा आ गया, आनंद ही आ गया। हमारी गाइड कम जो हमें रेस्टोरेंट लेकर जाएंगी, तो चेरी इज देयर और चेरी हमें लेकर जाएंगे कानी पाम बीच रिसोर्ट। और एक और बढ़िया चीज़, तो ये रहे आपके एसएसपी बाबा, थक चुके, शक्ल से ही पता चल रहा होगा। बाकी सर की स्किन तो ग्लोइंग है ही, सुबह हो शाम हो हर वक्त सेम ही दिखती है। चलिए तो देखते हैं कैसा है होटल और क्या सर्विस मिलती है हमें। सो मीट यू सून। भाई चेरी ये भी दे
आते ही मिला अभी तो अपने को। आई एम तो सुपर एक्साइटेड, मुझे ना बीच में सारी एक्टिविटीज़ करनी। दो साल पहले गोवा में गया था पूरा डाइविंग, और गाड़ी से नहीं किया था हॉन्गकॉन्ग, बट यार टेम्परेचर थोड़ा, वियतनाम में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो इस वक्त हम लोग हैं मापूस, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है भाई। सुबह निकलेंगे तो पता चलेगा, और उसे ही सब लोग पकड़ लेते हैं कि भैया हवा। और एक खास बात, गाड़ी यहाँ पर सारी रेंज की अच्छी वाई फाई के साथ, और रात में सब ऐसा लग रहा है ना पूरे दिन बहुत थप्पड़ थप्पड़ वाला वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके एकदम परेशान हो गए, तो रात को शांति से बीच पे बैठ के और खाना खाया। बहुत सारे फॉरेनर्स आए हैं तो यार ये गलियां, लविंग द पीस यार, अच्छा लग रहा है। कभी कभी आप इतने तामझाम वाली लाइफ से थोड़ा सा निकल कर ऐसे शांत वाले जगह पर आ जाते हो जहाँ पर सिर्फ हवाओं का शोर और लहरों का शोर। अभी एक वॉक करके हम लोग भी चलते हैं अपने होटल के पास में बैठते हैं। Let's feel that peace and I think आपने उधर की क्लिप नहीं दिखाई। हाँ तो भी वापस दिखाते हैं। वो बारिश 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 है ना, हवाएं चल रही हैं, ये शोर शराबा एक अलग लेवल की आपको खामोशी दे रहा है। और बहरहाल ये हमारा होटल है कानी पाम बीच रिसोर्ट, और ये मापूसी का एक जाना माना होटल है। आई थिंक ना दिन में दिन के नज़ारे दिखाने में ज़्यादा मजा आएगी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम डे वन का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। करेक्ट। और डे टू का धमाकेदार शुरुआत करेंगे, आपको बीच व्यू दिखाएंगे, ये जो वाइट सैंड बीच है ये जरूर दिखाएंगे, मजा आएगी। मजे वाली बात थी, हम लोग एक जगह पर बस ऐसे निकले थे स्कूबा डाइविंग ढूंढ रहे थे, तो हमें लगा कि यार इंडियन एरोरस कैफे, बातों से पता चला कि अरोरा एक्चुअली एक इटालियन फ्लावर का नाम होता है, और वो नाम पे रेस्टोरेंट का नाम पड़ा है, और जो बंदा था वो बांग्लादेशी था। एंड व्हाट ही सेइंग, मुझे विराट कोहली नहीं पसंद है, आप बैंगलोर से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो टीम है उसमें मेरा ये फेवरेट प्लेयर है, बट मुझे विराट कोहली नहीं पसंद। हार्दिक पांड्या को बहुत बड़ा फैन है। ओ सी, एक बंदा है जिसको विराट कोहली नहीं पसंद, एंड देन ही सेड भाई मेरे सामने विराट कोहली की बुराई कर रहा है। सर को बहुत पसंद है, तो बोलते आई कैन सी फ्रॉम द बियर्ड स्टाइल एंड ऑल द स्टफ एंड द बॉडी लैंग्वेज। मालदीव में आते ही हमारे फैन फॉलोइंग बढ़ी, एंड ही वाज लाइक ओ गॉड। चलिए सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग, शेयर करिएगा एंड वेट करिएगा विराट कोहली, ऑफ कोर्स विराट। वैसे दोनों अपनी अपनी जगह पे अलग, विराट कोहली एमएसडी वी कांट कंपेयर, हां दे बोथ आर टू डिफरेंट, एमएस धोनी इज एन इमोशन, एमएस धोनी की इमोशन है एंड विराट कोहली प्यार है यार, और वैसे भी प्यार और इमोशन को चेंज नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसी प्यारी सी बात के साथ और आपके लिए छोड़ जाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग विराट के फैन हैं, कितने लोग हमारे एमएसडी के फैन हैं, और अगर दोनों के फैन हैं तो भी लिख देना। एंड आज का पूरा जर्नी है, हम लोगों का पूरा ट्रैवलिंग में ही गया है, कल हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड विल डू दैट विल डेफिनेटली शूट यार। सो वी आर गोइंग फॉर अ शूट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल दैट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर मम्मी यहाँ होती तो ऐसे बोलती ना, डोरेमोन के छह बच्चे सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय, टेक केयर।